जो शैतान ने इसके फेफड़ों में जो प्रॉब्लम थी, जो टीबी दी है, चल शैतान, टीबी देने वाली गंदी आत्मा निकल पूरी तरह, चल छोड़ उसके फेफड़ों को, छोड़ उसके पेट को, उसके फेफड़ों को, निकल गंदी आत्मा, चल चल उठ। जब प्रॉब्लम थी तो आप कितनी परेशानी में थी इसके साथ? पापा जी, ये तो परेशान थी, हाँ, ये तो तकलीफ में थी, है ना? क्योंकि जब देखो, जब प्रॉब्लम थी तो इसकी हालत देखना थी बच्चे की, बोलो क्या थी? इसकी हालत देखनी थी, क्या इसका हाल हो गया था? कुछ भी, कुछ खाया पिया भी इसे पचता नहीं, और मेडिसिन भी कोई काम, खाया पिया कुछ बचे ना, बोलो, मेडिसिन काम करे ना। इसलिए क्यों कहता हूं, मेडिकल साइंस बुरी नहीं, मेडिकल साइंस बुरी, पर जब वो काम ना करे तो फिर इंसान क्या करे? हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम रिम्पी है और इनकी बेटी की गवाही है और जो बता रही है कि मार्च महीने से इनकी बेटी को फीवर की प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत तेज़ फीवर हो जाता था, जिसकी जो काफ़ी मेडिसिन भी ले रहे थे पर फिर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। और जो बता रही है कि जिसके कारण जो बहुत ही परेशान थी और जो बता रही है कि जैसे जे मेडिसिन लेते थे डॉक्टर से तो जो इसका फीवर था वो उतर नहीं रहा था। और उसके बाद जो बता रहे कि इसकी छाती से दर्द शुरू हो गई और जो फिर उसकी मेडिसिन ले रहे थे और जो बता रहे कि उसकी तो मेडिसिन अभी खा ही रहे थे तो इसके पेट में दर्द शुरू हो गई, इन्फेक्शन हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। और छाती में दर्द जब होती थी तो उसी समय इसको बहुत ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम आ गई और जिसके कारण जो बहुत ही मेडिसिन खा रहे थे, सब बीमारियों की जो मेडिसिन इन्होंने लेनी शुरू कर दी, फिर भी इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे इसकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी। और जिस डॉक्टर से जो मेडिसिन खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतनी प्रॉब्लम आ रही है, पहले आप इतना टेस्ट कराए, क्योंकि जो इसकी छाती से दर्द नहीं जा रही थी, उसकी खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई थी, इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम थी और जो भी मेडिसिन दे रहे थे डॉक्टर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जैसे इन्होंने इसका एक्स्रा करवाया तो जो बता रहे हैं कि अभी हम पहले उस एक्सरे की देखेंगे, तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें इसको टीबी की प्रॉब्लम आ गई है, तो जिसके कारण जो इसका फीवर था उतर नहीं रहा था। जैसे कि हमने देखा कि इस एक्सरे में टीबी की प्रॉब्लम थी तो जिसके कारण इसका फीवर नहीं उतर रहा था, इसके पेट में इन्फेक्शन हो गई थी, इसके छाती में दर्द रहती थी और बहुत ही ज़्यादा इसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई। और 1.5 महीना हो गया था कि इसने खाना पीना छोड़ दिया था, कुछ भी इसे पच नहीं रहा था, कुछ हल्का भी खाती तो उसको वॉमिटिंग्स हो जाती थी, बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी जो बेटी। और इनके मदर भी काफ़ी परेशान थे क्योंकि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। और जैसे इन्होंने फिर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, जब इन्होंने 20 अप्रैल की मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर के दास के द्वारा जब इसके लिए ले हैंड हुई, आओ पहले हम इस वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। क्या क्या है इसे प्रॉब्लम, बताओ जल्दी जल्दी से। इसे बुखार है, जो एक छाती में दर्द और एक टीबी है। खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो, खड़ा करो। यस खुदावन, हाथ रखो इसकी छाती पर। यस खुदावन, जो शैतान ने इसके फेफड़ों में जो प्रॉब्लम थी, जो शैतान ने इसके फेफड़ों में जो प्रॉब्लम थी, जो टीबी दी है, चल शैतान, टीबी देने वाली गंदी आत्मा निकल पूरी तरह से, चल छोड़ उसके फेफड़ों को, छोड़ उसके पेट को, उसके फेफड़ों को, निकल गंदी आत्मा, चल चल उखड़, अगट अगट, छट से, नेम ऑफ जीसस, तू मुझे शुगर शिफा दे। यस यस
साथ घोषित करता हूँ, तू निकाह पे पैरों पर हाथ रखोगे और चंगे हो जाएंगे। धन्यवाद देते रहे कि जो परमेश्वर आपके दास के द्वारा प्रार्थना हुई है, और जो इसकी बॉडी में इसकी छाती में दर्द रहती है, पेट में इन्फेक्शन है, टीवी की प्रॉब्लम है, परमेश्वर आप इसे इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से फ्री कर चुके हो। और जब बता रहे जैसे जे धन्यवाद देते रहो तो जो इसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी, धीरे धीरे परमेश्वर ने इसे वीकनेस से कमजोरी से अच्छा करना शुरू कर दिया। जो इसे खाना नहीं पचता था, फिर इसे खाना पचना शुरू हो गया, फिर जो खाना पीना शुरू कर दिया इसने। और जो जो बहुत ज़्यादा जो संगति में बैठ नहीं सकती थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, परमेश्वर ने उस प्रॉब्लम से इसको अच्छा कर दिया। और जो बता रहे कि फिर इन्होंने जब कल अपनी रिपोर्ट कराई, तो अभी हम इनकी सेकंड रिपोर्ट को देखेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि जो इसको टीवी की प्रॉब्लम थी, अब पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से जो इनकी थी, अभी इनका एक्स्ट्रा भी देखेंगे। जो इसको टीवी की प्रॉब्लम थी, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से टीवी की प्रॉब्लम से पूरी तरह से नॉर्मल पोर के साथ इन्हें ब्लेस किया है। सच में कलीसिया, आज परमेश्वर ने इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट किया है। जो कि इस बेटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई थी टीवी के कारण, इसकी बॉडी में वीकनेस आ गई थी, पेट में इन्फेक्शन आ गई थी, इसकी छाती में दर्द रहती थी, फीवर उतर नहीं रहा था, इतनी मेडिसिन खा ली थी, बॉडी में इतनी कमजोरी हो गई थी, जब बैठ नहीं सकती थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, खाना पीना पच नहीं रहा था। और जिससे परमेश्वर के दास के द्वारा इसके लिए लेंड हुई, और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से इनको छुआ। और जब बता रहे कि आज इनकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, कोई भी इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर ने इस बेटी को आज पूरी तरह से आजाद कर दिया है। हम सब तारीफ करेंगे इसे, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम से भी मुझे आजाद कर चुका है? बोलो क्या है, मेरे भी वो सारे काम कर चुका है। आमेन। मन अच्छा रखना, इन्हें माइक तो हाँ। जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह दी। अब बताओ कैसा है? बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत अच्छी। जब प्रॉब्लम थी तो आप कितनी परेशानी में थे इसके साथ पापा जी? ये तो परेशान थी, हाँ, ये तो तकलीफ में थी, है ना? क्योंकि जब देखो, जब प्रॉब्लम थी तो इसकी हालत देखना थी बच्चे की। बोलो क्या थी? इसकी हालत देखनी थी, क्या इसका हाल हो गया था। कुछ भी, कुछ खाया पिया भी इसे पचता नहीं था, और मेडिसिन भी कोई काम, खाया पिया कुछ पचे ना। बोलो, मेडिसिन काम करे ना। इसलिए क्यों कहता हूँ, मेडिकल साइंस बुरी नहीं, मेडिकल साइंस बुरी नहीं, पर जब वो काम ना करे तो फिर इंसान क्या करे? समझ आ रही? और जब फिर से खुदा के प्रेम को समझा, विश्वास से आए और ले हैंड हुई। बोलो क्या हुई? ले हैंड हुई, और शास में बने रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे, आज आपके सामने। हाँ जी पापा जी, वो दिन थोड़ा बताओ, वो दिन कैसे गुजरे थे पापा जी? बड़ी मुश्किल है, रात भी नहीं सोंदे हुंदे थे, बड़ी दर्द हुंदी थी इहदे। कहां पे दर्द होती थी? इहदी छाती च बहुत दर्द हुंदी सी, छाती में, इसके फेफड़ों में बहुत दर्द होती थी, इहनूं साह लेना बहुत मुश्किल ही, साह भी नहीं, मतलब सही ढंग से साह भी नहीं इसे आता था, नहीं, और ये दर्द होती और पूरी रात सोती नहीं थी ना, और बहुत परेशान थे। हाँ जी पापा जी, देख लो, पर वो सच्चा खुदा है जिस पर हम विश्वास करते हैं। बोलो क्या है? जिस पर हम विश्वास करते हैं। पर ध्यान से
उसके प्रेम को समझना और उसमें बने रहना है। समझ आ रही है? आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं पापा जी, बिल्कुल तो, आज तो खा पी रही पच रहा है, कोई दर्द नहीं, अच्छे से ये सोती, आप भी सोते हो? हाँ जी पापा जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं पापा, कोई हालात नहीं है। हाँ जी। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए, क्योंकि सुनो एक चीज, जब इंसान प्रॉब्लम में होता है तो तब तो उसका विश्वास भी नहीं कई बार बनता, पता है ना? जब हालात होता है किसी के ऊपर तो तब तो उसका विश्वास भी नहीं बनता उस चीज के लिए। कितनों को समझ आ रही है? तब उसका विश्वास भी नहीं बनता, पर जब खुदावंद काम करता है तो खुशी का कोई ठिकाना भी नहीं होता। उसी तरह से आज इनके चेहरों से लग रहा है कि ये कितना खुश है, क्योंकि जब परेशानी के जो दिन थे, जब गुजरे थे, जब उन दिनों में बड़े परेशान थे, आज आपके सामने है ना, बोल गए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई दर्द नहीं, सब कुछ प्रभु ने। हाँ, क्योंकि टीवी के कारण इसका जो फीवर है, जो बुखार है, वो उतरता नहीं था। कितना मतलब हर दम बुखार इसके शरीर में रहता था। पापा जी जो दवाई दी थी थोड़ा चेर मतलब ठीक रहती, फिर हो जाता ही, थोड़ी देर के लिए दवाई असर करती थी, फिर हो जाता था। हाँ जी। और ऐसे ही चल रहा था। हाँ जी। देखो, और ये सब इसी टीवी की प्रॉब्लम के कारण था। अभी अपनी रिपोर्ट्स देखी, सब नॉर्मल है, कोई टीवी नहीं है, कोई रिपोर्ट में एक्सरे में, परमेश्वर ने पूरी तरह क्या कर दिया, इसे चंगा कर दिया है, आजाद कर दिया है। उस डॉक्टर जीसस के लिए दिल से अपने दोनों हाथों को उठाकर तारीफ करो, जोर से, फिर से जोर से। रूहे पाक दी होई बरसात, रूहे पाक दी होई बरसात, मेरे बदले गए हालात, यीशु जी तेरे कोल आके ते रूह दाई ना पाके। दिल से हालेलुया बोलते हुए, तेरे कोल आके ते रूह दाई ना पाके, यीशु जी तेरे कोल आ।